देवास से इस वक्त की खास खबर साजिर आपके लिए। जी हाँ, चलती बस में अचानक आग लग गई। पुणे से बलिया जा रही आशीर्वाद ट्रेवल्स की बस में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पुणे से बलिया जा रही बस में सुबह 5:30 बजे अचानक टायर फटने से आग लग गई। इसके बाद बस में बैठे करीब 100 से ज्यादा यात्री बस का इमरजेंसी गेट और खिड़की तोड़कर बाहर निकले। आग इतनी बढ़ गई कि बस में रखा यात्रियों का पूरा सामान जल गया। गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। हम जा रहे थे अपने वो पहाड़ में जा रहे थे आग लग गांव में, लेकिन आग लगी 4:30 आग लगी। 5 बजे हमको पता पड़ा कि इसमें आग लगी। किसी ने कुछ नहीं बताया। खिड़की तोड़ के आना पड़ा। लास्ट सीट था हमारा, क्योंकि हम आगे नहीं जा सकते थे। खिड़की तोड़नी पड़ी और वहाँ से थोड़ा पैर में भी मोच आ गया। पैसा वैसा सब कुछ उसमें था, सब कुछ जल गया। अभी जाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी वो कह रहे हैं कि बस मंगाएंगे, लेकिन बस मंगाएंगे हम आगे कहाँ से जाएंगे? हमारे पास पैसा नहीं, हम हमारे गांव कैसे जाएंगे? आपका कितना नुकसान हो गया अभी? अभी मेरा, मैंने आधार कार्ड लिया होता नेपाल का बनाने के लिए, मेरे मम्मी और डैड का, उनका भी जला और मेरा तो अब बनेगा भी नहीं और उनका भी अब जल गया। अब मैं मेरा आधार कार्ड बनाने के लिए गया था, वो भी कैसे बनेगा? और तो और पाँव में ऐसी चोट आई है, ना चप्पल है अभी पहनने के लिए, ना कुछ है। कितने यात्री सवार थे बस में? बस में 120-130 के आसपास थे हमारे गांव के। अच्छा, नेपाल क्यों जा रहे थे? क्या नेपाल हमारा फेस्टिवल आ रहा है अभी। क्या फेस्टिवल आपका? हमारा ये माँ काली का त्यौहार आता है, जो पूजना पड़ता है, जिन्होंने मतलब ऐसा मान रखा होता है कि जिस दिन करेंगे तो उनको जाना पड़ता है, इसलिए सवारी जाते हैं। इसके वजह से अभी जा रहे हैं। और कुछ लोग क्या, अभी न्यू ईयर भी है ना वहाँ का, जिसके वजह से अभी लोग जा रहे हैं। न्यू ईयर अभी एक दो दिन में भी आने वाला है, अभी हुआ नहीं है वहाँ का। 2000 अभी 80 चल रहा है, अभी 81 चलेगा। कितने यात्री सवार थे नेपाल के बस में? नेपाल 100 से ऊपर ही थे, 120-130 के करीब थे। बस कहाँ से कहाँ चली थी? बस ये अपने पूना से ही थी। ये बस पूना से थी? पूना से रोज ही निकलती है अपनी बस, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, एक ड्राइवर भी, एक तो 80 साल का था ड्राइवर, और ड्राइवर को भी 3 बार सुलाया था वहाँ पे हम रास्ते में, ताकि जो आराम से चला सके, उसको सेफ्टी ले सके, लेकिन वो ड्राइवर ही पिया पिला दे ड्राइवर को उसको पिलाना चाहिए। दारू शराब में था ड्राइवर का? उसे भी पिला रखा था ड्राइवर को। शराब में पी थी अपने? शराब पी थी अपने? उसने पता नहीं, अब उसने पी थी या नहीं पी थी, आधे लोग कह रहे थे उसने पी थी और कोई लोग कह रहे थे उसने नहीं पिए, बाकी सब ने पिए। अब उसको 3 घंटा में वहाँ पर आधे रास्ते में होटल में सुलाया, फिर वहाँ से हमने कहा आराम से ले जाने का, और फिर 2 घंटे बाद देखा तो इधर 5 बजे सब यहाँ पे 3 बजे से आते हैं वहाँ से। मेरा नाम है सुरेंद्र रावत, मैं पुणे से बैठा। कैसे क्या लगी थी आग और क्या एकदम हादसा हुआ उसमें? अब हादसा तो ऐसा है, गाड़ी तो पुणे से आ रहा है बाउदन से, ये डायरेक्ट नेपाल के लिए, यानी कि गौरी फेंडा पलिया के लिए डायरेक्ट। सब अपना मजदूर करके आए, कोई झाड़ू कचरा पौधा ऐसा करके त्यौहार के लिए निकल रही है। सब नया साल भी आ रहा है और रामनवमी भी आ रहा है। अब गाड़ी में आग तो ऐसा है, गाड़ी फास्ट भी नहीं चली है, गाड़ी रात को रुकी थी 2-3 घंटा, 2 ही घंटे चलने के बाद गाड़ी में आग लग गई है। गाड़ी में क्या कंडीशन ख़राब था ये हमको मालूम नहीं हुआ। बस में कितने यात्री सवार थे? कमती में हो गए 120-125 जितना, लेडीज और जेंट्स बच्चे। अच्छा, बस में एकदम आग लगी थी तो फिर यात्रियों ने क्या करा, इमरजेंसी गेट तोड़ा क्या करा? इमरजेंसी किसी ने खिड़की तोड़ के आया, किसी कोई उधर से ही आए। अच्छा, इमरजेंसी खिड़की तोड़ के कोई ऐसा 5 बजे पता पड़ा क्या आग? 5:30 बजे ऐसा निकले आग लगी है गाड़ी। अच्छा, आप बता रहे कि त्यौहार मनाने जा रहे थे, किस तरह का त्यौहार मनाने जा रहे थे और कहाँ जा रहे थे? नेपाल, नेपाल नेपाल क्या है, क्या नेपाल में क्या त्यौहार बन रहा है? रामनवमी भी है। अच्छा, रामनवमी तो सबको मालूम है, और नया साल का बनाया जाता है नेपाल में। नया साल अभी 2-3 दिन के बाद संक्रांति आ रहा है ना, इसको नया साल मानते हैं। कितना किराया वसूला जा रहा था आपसे इस बस का? एक आदमी से 3000। 3000 वसूला? बच्चों के? बच्चों के, छोटे बच्चों के, 5-6 साल के बच्चों के किराए नहीं है, 8-9 साल के बच्चे के वही है 3000। आपका नाम? मेरा नाम निर्मल विश्वकर्मा। अच्छा, सभी नेपाल के? अधिकतर नेपाल के हैं या बस में सवार यात्री? सभी 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 नेपाल के, कोई भी इंडियन लोग नहीं है। पलिया जा रहे थे ना? हाँ, पलिया नेपाल बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर में जा रहे थे। आपका नाम बता दीजिए। निर्मल विश्वकर्मा। मुझे क्या है बोला, ये पूना से नेपाल के रहने वाले तकरीबन 100 के आसपास महिला पुरुष हैं, ये लोग पूना में रह के काम करते थे, तो आज त्योहारों को आगर त्यौहार को देखते हुए वापस लौट रहे थे यूपी, और वहाँ से इनका वापस नेपाल जाने का प्लान था। और आज मक्सी बाईपास चौराहे पे सुबह तकरीबन 5:15 बजे के आसपास जो बस थी, उस बस का टायर फट गया और उससे बस में आग लग गई।
कोई जनहानि नहीं हुई है, सभी लोगों को सुरक्षित बस से उतार लिया गया है। अभी दूसरी गाड़ी की जब तक व्यवस्था हो रही है तब तक के लिए अस्थायी तौर पर इनके रहने के लिए और खाने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जा रही है। सर, यहाँ पे देखा गया था कि जिस समय आग लगी थी उस समय इमरजेंसी गेट तोड़ के भी लोग निकले थे, पुलिस द्वारा भी लोगों को निकाला गया यहाँ पे और लगातार अभी भी ड्रेस चल रहा है। क्योंकि 5:15 बजे की घटना है, उस समय हमारा जो गश्त का स्टाफ था वो थाने का स्टाफ और हाईवे का स्टाफ मौके पर ही था, तो उनने लोगों को जल्दी मदद करके जो भी रास्ते थे एग्जिट रास्ते उनसे उनको जल्दी निकाला, क्योंकि उसके बाद फिर बस में आग बड़ी तेज़ी से फैल गई। कोई जनहानि नहीं हुई है, कुछ सामान जरूर इन लोगों का जला है, इसके लिए भी हम लोग अभी आकलन कर रहे हैं। अभी प्राथमिकता इन लोगों को रुकाने की और उनके खाने पीने की व्यवस्था करने की, उसको देख रहे हैं। नेपाल की ओर जा रही थी जिसमें सुबह 5:15 पर टायर फटने के कारण आग लग गई। तो यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे जो लोगों को जाने की व्यवस्था भी कराई गई, बहुत सारे संगठन सामने आए थे, बहुत सारी संस्थाएं सामने आई है, हम लोग भी सामने आए थे, सूचना मिलते ही सामाजिक कार्यकर्ता बहुत सारे आए थे और अभी सबकी व्यवस्था की जा रही है। इन लोगों का बहुत नुकसान, कोई यात्री घायल तो नहीं इसमें? नहीं नहीं, जनहानि कोई नहीं है, मालहानि बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम धीरज सिंह राजपूत।